हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिभा। चलिए मिलकर बनाते हैं आज चचेड़ा की बहुत ही टेस्टी सब्जी। इसे हमारे यहाँ पर चचेड़ा कहा जाता है। आप लोग इसे क्या कहते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। चचेड़ा की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के चचेड़ा और एकदम सॉफ्ट हैं। इनके बीज जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हैं, तो आपको ताज़े चचेड़ा लेने हैं। तो थोड़े बड़े साइज़ के थे तो हमने पहले इन्हें 2 टुकड़ों में काट लिया। इसके बाद हम इनका ऊपर का जो छिलका है, ग्रीन स्किन, वो निकाल देंगे। तो एक पीलर की सहायता से आप निकाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो चाकू से भी निकालेंगे तो बहुत ही इजीली निकल जाएगी। तो ये देखिए, मैंने इसे इस तरह से पीलर से छीला है और अब मैं आपको एक चाकू से दिखाती हूँ। तो बस इस तरह से स्क्रैप करते जाना है और इसका जो छिलका है पतला पतला सा, वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से निकल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने सारे चचेड़ा छील करके तैयार कर लिए हैं। इसके बाद इनको अच्छे से धो लिया है, अब हम इनको कट करेंगे। तो यहाँ पर हमें इन्हें बड़ा बड़ा नहीं काटना है। ज़्यादातर लोगों को चचेड़ा की सब्ज़ी पसंद नहीं आती है, बट अगर आप को भी पसंद नहीं आती है तो इस रेसिपी पे से बनाइएगा। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि चचेड़ा को छोटे छोटे पीसेज में काटना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से हमने सारे चचेड़ा को कट कर लिया है। अब सब्जी बनाते हैं। तो कढ़ाई में डालेंगे तेल 3-4 चम्मच। तेल गर्म हो जाएगा। 4-5 कलियाँ बारीक कटा हुआ लहसुन, साथ में 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लहसुन को हमने हल्का सा भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज को भी हल्का सा भून लेंगे। तो इस तरह से मीडियम फ्लेम में प्याज को अच्छे से भून लीजिए। फिर डाल देंगे हम इसमें 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, जितना तीखा आप पसंद करते हो। तो प्याज हल्की ब्राउन कलर की हो गई है। अब सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे चचेड़ा। कोई भी मसाले अभी हम इसमें नहीं डालेंगे। सबसे पहले चचेड़ा डाल करके हम चचेड़े को अच्छे से भूनेंगे, तभी हमारी जो सब्जी है वो बहुत ही बढ़िया बनेगी, बहुत टेस्टी लगेगी। तो ये देखिए, इस तरह से मीडियम फ्लेम में हमने इसे 2 से 3 मिनट तक बीच बीच में चलाते हुए भूना है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और अच्छे से मिला देंगे। अभी हम मसाले में सिर्फ हल्दी पाउडर ही डालेंगे और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, बाकी के मसाले हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक डालने से जो चचेड़ा है वो पानी छोड़ेगा। ये हरी सब्जी है तो ये अपने ही मॉइस्चर में पकेगी। तो ऐसे हम इसे ढक देंगे और ढक करके मीडियम आंच में हम इसे 6 से 7 मिनट तक पकने देंगे, या फिर तब तक पकाएंगे जब तक चचेड़ा जो है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं चचेड़ा हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो थोड़ा सा नमक हमने और डाल दिया है। साथ में इसमें ऐड किया 1/2 चम्मच अमचूर का पाउडर, जो कि इसे खटास देगा। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि इस सब्जी में आपको टमाटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। बस अमचूर पाउडर डाल करके, सारे मसाले डाल करके अच्छे से मिला दीजिए, 3-4 मिनट भून लीजिए। बाद में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तैयार है बहुत ही टेस्टी